ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ऐसा कहते हैं कि अवतार अध्यात्म विद्या प्रदान करने के लिए ही इस धरती पर नररूप धारण करके आते हैं, और भक्तों के संग रहना विशेष रूप से बहुत पसंद करते हैं। हम देखते हैं श्री रामकृष्ण 14 जुलाई 1883 को भी अधरलाल सेन के यहाँ गए थे। उसके बाद में 21 जुलाई 1883 उस रोज़ भी श्री रामकृष्ण अधरलाल सेन के यहाँ गए थे, लेकिन उनका यह जाना बड़ा ही अचानक सा था। निमंत्रण पर ठाकुर अधरलाल सेन के यहाँ नहीं गए थे, इसलिए एक तरह से ईश्वरीय योजना के अनुसार ही उनका अधरलाल सेन के घर में आगमन हुआ था। और उसका मुख्य कारण अधरलाल सेन के चरित्र में हमें प्राप्त होता है, वे श्री रामकृष्ण देव को अचानक घर में आए हुए देखकर वो बोल उठते हैं कि कितने दिन हो गए थे आपका घर में आना ही नहीं हुआ था, और आज मैंने भगवान से खूब रो रो कर प्रार्थना की थी और माँ भगवान से कहा था कि श्री श्री ठाकुर को आप मेरे घर में ज़रूर ले आना। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ अधरलाल सेन के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है कि अधरलाल सेन सोच रहे हैं या उनका मन बड़ा बेचैन हो गया है। क्यों बेचैन हो गया है? क्योंकि श्री रामकृष्ण देव बहुत दिन से उनके घर में नहीं आए। सत्य तो यही है कि इस घटना के माध्यम से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हमारा हृदय भी, हर जीव का हृदय एक बैठक खाना होता है, जिसको चलती भाषा में हम कहेंगे ड्राइंग रूम। तो हमारा हृदय ही ड्राइंग रूम है, लेकिन हमारे इस ड्राइंग रूम में भगवान आकर बैठ जाएं, ऐसी इच्छा हम लोगों में से कितने लोग रखते हैं। अधरलाल सेन यहाँ श्री रामकृष्ण अचानक से जो उनके घर में आए हैं उससे बहुत आनंदित हो गए हैं और कह रहे हैं कि मैंने आपके लिए भगवान से बहुत प्रार्थना की थी कि प्रभु बहुत दिन हो गए मेरे घर में, वो आए नहीं। तो यही बात है, सिंबॉलिकली थोड़ा अगर हम सोचते हैं, वैसे रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी, दैनंदिन जीवन में अपने संसार को लेकर हमारे कर्तव्य कर्म, वे तो हमको निभाने हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम भगवान से दूर हैं या भगवान हमारे हृदय में आकर बसने चाहिए, क्या ऐसी भावना लेकर हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते? स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज जब बैंगलोर में थे एज ए अध्यक्ष ऑफ दैट सेंटर, अक्सर बीच बीच में वो जितने भी मोनास्टिक मेंबर्स थे उनके सबके कमरे में जाया करते थे, ऐसा हमने वरिष्ठ सन्यासियों से सुना है। और उनको जब ब्रह्मचारी पूछते थे या कोई साधु पूछते थे ये आप क्यों, तो बोले अरे जाकर देखता हूँ, जाकर देखता हूँ। देखिए मुझे उनके घर कमरे में जाकर क्या करना है, लेकिन इनडायरेक्टली मैं उनको यह समझा रहा हूँ जैसा मैंने ब्रह्मानंद जी महाराज से सीखा था,
Pray to God and expect every day that God will come unto you. तो बोले मैंने ये जो बात सुनी थी वही बात मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे हृदय में भगवान आएंगे, ऐसी रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए एंड एवरी टाइम हर वक्त हमारी अपेक्षा यही होनी चाहिए कि मेरे हृदय में आज मुझे निश्चित रूप से भगवान का दर्शन होगा। तो यही बात शायद श्री रामकृष्ण देव ये अधरलाल सेन के घर में जाते हैं, अचानक जाते हैं, लेकिन वैसे भगवान भक्त के घर में अचानक जाते हैं यह उनकी कृपा का एक कारण तो ज़रूर है, लेकिन कभी कभी बात यह भी होती है कि भक्त अगर आंतरिकता से आतुर होकर भगवान की प्रार्थना करता है और ख़ास करके आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से, अधरलाल सेन ये जो प्रार्थना कर रहे हैं रो रो कर भगवान को, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वैसे यहाँ जो वर्णन प्राप्त हैं उससे तो हम यही देखते हैं वे श्री रामकृष्ण देव के आगमन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय रूपी बैठक खाने में भगवान आ जाएं, इसलिए हमें प्रार्थना करनी है। यही बात इसलिए कहा कि अवतार अध्यात्म विद्या प्रदान करने के लिए भक्त के संगत में रहना चाहते हैं और जहाँ जहाँ यथार्थ आध्यात्मिक स्पृहा नज़र आती है, महसूस होती है, अवतार भगवान अवश्य वहाँ दौड़ कर जाते हैं। 18 अगस्त 1883 रोज ही श्री रामकृष्ण पुनः एक बार अधरलाल सेन के घर गए थे और अधर का जो दीवान खाना था उस दीवान खाने में नृत्य संकीर्तन हुआ था, भावावस्था श्री रामकृष्ण देव को प्राप्त हुई थी और भावावस्था में ही श्री रामकृष्ण अधर सेन को कहने लगे कि देखो बाबा, तुम जिसका नाम जपते हो उसी का ध्यान करते रहो, अर्थात जिनका नाम तुम जप रहे हो उसी का ध्यान किया करो। तो एक तरह से यह एक बहुत सिंपल सूचना अधर के निमित्त से ठाकुर हम लोगों को भी दे रहे हैं कि शांत चित्त से घर में बैठकर पहले भगवान का नाम जपना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण करते ही नाम के साथ रूप जुड़ा हुआ होता है, इसलिए नाम का स्मरण करते ही थोड़े ही देर में भगवान के रूप को कल्पना करना साधक के लिए शायद आसान हो सकता है और इसलिए आंखें बंद करके पहले भगवान का नाम लेना और फिर उसी भगवान की रूप कल्पना कि भगवान मेरे सामने प्रस्तुत है, यह एक साधना का स्वरूप श्री रामकृष्ण देव अधरलाल सेन के निमित्त हमारे लिए बताते हैं। ऐसा वचनामृत में वर्णन प्राप्त होता है कि श्री रामकृष्ण देव ने यह उपदेश अधरलाल सेन को करने के पश्चात उसके जिह्वा पर अपनी उंगली से कुछ लिख दिया और शायद इसी प्रकार अधरलाल सेन की श्री रामकृष्ण देव के द्वारा एक प्रकार से दीक्षा हो गई और अधर सेन आनंद से भरपूर हो गए। मार्च 1884 भारत सरकार ने अधरलाल सेन की कलकत्ता विश्वविद्यालय में कला विभाग के सदस्य पद पर उनको प्रस्तुत किया, उनकी नौकरी वहाँ एक तरह से ड्यूटी हो गई। लोक शिक्षण प्रसार करने में
मुझे यह एक अच्छी संधि प्राप्त हो रही है, इसको लेकर अधर सेन बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन श्री रामकृष्ण देव को जब यह बात पता हो गई तो श्री रामकृष्ण देव ने स्पष्ट रूप से यह बात अधर सेन को बताकर शायद दुनिया को ही यह बात बता देना ठीक समझा। श्री रामकृष्ण अधर सेन को कहते हैं कि देखो जी, ये स्कूल, ऑफिस, मीटिंग, ये सब ना अनित्य है, ईश्वर ही एक परम वस्तु है, बाकी सब सारी अवस्थु। इसीलिए अपना मन जो है, अर्थात मन की अधिकांश शक्ति भगवान की आराधना में लगानी चाहिए। श्री रामकृष्ण ये नहीं कहते कि हमें कर्म नहीं करने चाहिए, लेकिन यह याद दिलाना नहीं भूलते कि कहीं ड्यूटी के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर, कभी कभी सेवा के नाम पर हम बहुत अधिक कर्मों को हमारे साथ जोड़ न लें, क्योंकि उसके साथ जोड़ते हुए अगर वह ईश्वरीय बोध अंतकरण में नहीं रहा तो वह सिर्फ कर्म हो जाएगा। उस कर्म के आधार से ईश्वर के साथ जो संयोग होना चाहिए वह नहीं होगा। और इसलिए श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से यह बात अधर से इनको कहते हैं कि देखो जी, ये मीटिंग, स्कूल, ऑफिस, ये सब अनित्य है, ईश्वर ही एकमात्र सत्य वस्तु, बाकी सब अवस्थु। और इसीलिए मन की सब शक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति ईश्वर आराधना में लगानी चाहिए। ये शरीर, श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये शरीर अनित्य है, आज है तो कल नहीं। इसीलिए जितना हो सके हमेशा से भगवान की आराधना में ही हमें अपने आप को संलग्न रखना चाहिए। अधर सेन उनको श्री रामकृष्ण कहते हैं कि देखो, सबका त्याग करने की तुमको कोई गरज नहीं, आवश्यकता नहीं है। संसार में रहना है लेकिन कछुए के समान रहो। कछुआ पानी में इधर उधर घूमता जरूर है, लेकिन उसने जो किनारे पर अपने जो अंडे देके रखे हैं, कछुए का सब मन उस अंडे पर ही रहता है, अर्थात उसके अंडे सुरक्षित रहे, यह बोध यह उसके अंतकरण में कछुए के रहता है और मन, इसीलिए वह उसकी सुरक्षा में अंडों पर ही लगा हुआ रहता है। तो श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं उसी तरह संसार में रहकर सभी कर्म हम लोगों को करने हैं, लेकिन मन को ईश्वर के चरणों में ही रखना है। अधर सेन कुछ गंभीर और अलिप्त स्वभाव के थे और अपनी भावनाओं को लोगों के सामने वे क्वचित ही व्यक्त किया करते थे, लेकिन श्री रामकृष्ण देव के पास वे कुछ भी नहीं छुपाते थे। बिल्कुल अपने अंतस्थ, बिल्कुल हृदय के किसी कोने में जो कुछ भी भावना छुपी हुई हो वह श्री रामकृष्ण देव के सामने ठीक ठीक जैसा है वैसा एकदम से मुक्त मन से व्यक्त कर देते थे। श्री चैतन्य चरितामृत नाम का जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने पढ़ा था कि कस्तूरी का अथवा नील कमल का सुगंध जब निकलता है तो सारा माहौल, वातावरण जो होता है वह सुगंधमय हो जाता है। कृष्ण की देह से भी ऐसी ही मधुर सुगंध आती है। तो यह बात जो है वह उनको इतनी भाई थी और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव को
वे बड़े नम्रता से कहते हैं जब श्री रामकृष्ण देव का उनके घर में आगमन होता है कि वह कहते हैं कि आप बहुत दिन से आपका घर में आना नहीं हुआ था और आपका आना हुआ नहीं हुआ था इसलिए मेरे घर में ये सांसारिक वाइब्रेशंस यह सांसारिकता की गंध फैली हुई थी, मेरा पूरा घर इस सांसारिक गंध से भरपूर और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंधेरे में हूँ, लेकिन आज आप पधारे हैं तो आपके पधारने से मेरा घर फिर से आध्यात्मिक वाइब्रेशन से जैसे जगमगा उठा है। और श्री रामकृष्ण देव भी अधर की यह बात सुनकर बहुत आनंद में विभोर हो गए और इस आनंद विभोर अवस्था में ही भावावस्था की वह अवस्था थी श्री रामकृष्ण देव की, और उस भावावस्था अवस्था में ही उन्होंने अधरलाल सेन और मास्टर के मस्तक को और हृदय को स्पर्श करते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं तो तुम्हें साक्षात नारायण के रूप में देख रहा हूँ, तुम लोग सब मेरे अपने हो। देखिए भगवान के श्री मुख से, अवतार के श्री मुख से, श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से यह जो शब्द बाहर आए हैं कि मुझे तुम नारायण नज़र आ रहे हो और तुम मेरे सब मेरे अपने हो। श्री रामकृष्ण देव को अधर लाल सेन या महेंद्रनाथ गुप्त अपने महसूस हो रहे हैं और यही निश्चित रूप से हमारे लिए साधना का एक अंग है। हमारे अंतकरण में भगवान को लेकर यह बोध होना चाहिए कि हमारा घर मतलब ग्रॉस लेवल पर हमारा जो ईंट मकान का जो घर है वह घर भी और हृदय रूपी हमारा अंतकरण भी। वह जैसे अधर सेन यह बात कह रहे हैं, मन की भावना जो व्यक्त कर रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में मैंने यह पढ़ा है कि कस्तूरी की सुगंध या नील कमल की सुगंध भगवान श्री कृष्ण के देह से निकलती है और वह सुगंध से कृष्ण जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वह सुगंध महसूस किया जा सकता है। तो अगर हम अपने हृदय में अपने इष्ट देवता को अगर हमेशा बसा कर रहेंगे तो हमारे इष्ट देवता की कृपा से ईश्वरीय सुगंध अर्थात आध्यात्मिक आनंद ही हमारे हृदय मन पर सदैव बना रहेगा और ये सांसारिकता की हवा, ये संसार का अंधेरा, यह माया मोह हम लोगों को कभी एक तरह से प्रभावित नहीं कर पाएगा। श्री रामकृष्ण देव के पास महिमा चरण चक्रवर्ती इत्यादि बड़े धनी और गर्विष्ठ पंडित भी आया करते थे और उनके साथ में अधरलाल सेन का अच्छा परिचय भी था, लेकिन मूल बात यह थी श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में हम देखते हैं कि जब तक जीऊँगा तब तक सीखता रहूँगा। अधरलाल सेन भी यही बोध हृदय में लेकर हमेशा रहते थे कि श्री रामकृष्ण देव के द्वारा मुझे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसी के आधार से मैं अपना जीवन यापन करता रहूँगा। श्री ठाकुर के ऊपर उनकी श्रद्धा दिन ब दिन जैसे जा रहे थे बहुत दृढ़ होती जा रही थी। एक बार जब अधरलाल सेन चितगांव में, जो अब बांग्लादेश में है,
वहाँ की बात वे श्री रामकृष्ण देव को बता रहे थे और चितगांव के पास में जो चंद्रनाथ पर्वत और सीता कुंड इत्यादि जो पवित्र स्थान हैं उसका भी वे वर्णन श्री रामकृष्ण देव को करते हैं और कहते हैं कि सीता कुंड में अग्नि की ज्वाला दिखाई देती हैं। श्री रामकृष्ण पूछते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है कि अग्नि में पानी में अग्नि की ज्वाला। तो श्री अधरलाल सेन कहते हैं कि उस पानी में फास्फोरस की अधिक मात्रा है इत्यादि। तो एक तरह से हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण और अधर सेन ये जब भी इनका साक्षात्कार हो रहा है, मुलाकात हो रही है, बहुत कुछ विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। श्री रामकृष्ण भी जो बातें बड़ी साइंटिफिक हो रही हैं उसको एक हद तक निश्चित रूप से स्वीकार करने का मनोभाव यहाँ व्यक्त करते हैं। जब अधरलाल सेन कहते हैं कि सीता कुंड में फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ अग्नि जैसी ज्वाला दिखाई दे रही है, अधरलाल सेन कलकत्ता महानगर पालिका के उपाध्यक्ष पद को प्राप्त करने के बड़े इच्छुक थे, लेकिन श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा कि देखिए एक यह कश्चित छोटे से पद के लिए आप इतना इसके पास जाना, उसकी सिफारिश, ये सब क्या कर रहे हैं। माँ की कृपा से आपको तो अच्छा पैसा प्राप्त हो रहा है और पैसा ज़्यादा लेकर करोगे भी क्या, आखिर लेकर तो कोई कुछ भी नहीं जाता। ईश्वर के पास क्या हम अपनी संपत्ति लेकर जाने वाले हैं, ईश्वर क्या संपत्ति चाहते हैं। श्री रामकृष्ण देव अधरलाल सेन को यह समझाते हुए कहते हैं कि विषयासक्त लोग जो होते हैं वे संपत्ति को बहुत अतिरिक्त महत्व देते हैं, लेकिन ये जो अतिरिक्त पैसे को महत्व देना यह ठीक नहीं है। भगवान के पास ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, इसके लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। और इसलिए श्री रामकृष्ण अधर सेन से कहते हैं कि आप जिस पद पर हैं वही संतुष्ट रहने का प्रयास क्यों नहीं करते। देखिए ये जो संतोष समाधान लेकर रहना है, हाँ अल्प संतुष्ट होना है, ऐसा भी श्री रामकृष्ण नहीं कह रहे हैं, लेकिन मूल बात है यह संतोष जो है, जो किस बात को लेकर संतोष लेकर हमको रहना है, संपत्ति को प्राप्त करने का और उसके द्वारा समाधान प्राप्त करने की बात श्री रामकृष्ण देव नहीं छेड़ रहे हैं। हमारे अंतःकरण में समाधान तो इस बात का होना चाहिए कि हमारे शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हम निश्चित रूप से ईश्वर की आराधना करते हैं और ईश्वर को ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य इत्यादि सद्गुणों की ही कामना करते हैं। श्री रामकृष्ण अधरलाल सेन को वह एक कहानी जरूर सुनाते हैं, वह कहानी मैं विस्तार से तो आपको नहीं कहूँगा। आप में से जिन्होंने वचनामृत पढ़ा है या श्री रामकृष्ण देव का चरित्र पढ़ा है उनको वह कहानी अच्छे से पता है। वो कहानी है एक लकड़ी का व्यवसाय करने वाला आदमी होता है, लकड़हार होता है, जिसको एक ब्रह्मचारी कहता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और वह जो लकड़हारा है जो, तो वह जंगल में अंदर जाता है तो पहले उसको चंदन की लकड़ी मिलती है जिसको बेचकर वह अमीर हो जाता है। फिर वह सोचने लगता है कि मुझे तो ब्रह्मचारी ने आगे बढ़ने के लिए बताया है, इसलिए वह घने जंगल में आगे बढ़ता जाता है,
और आगे चलकर उसके उसको तांबे की खदान, रुपए की खदान, सोने की खदान, हीरे की खदान, इस तरह से यह कहानी श्री रामकृष्ण देव अधरलाल सेन का निमित्त करके जैसे हम लोगों को ही समझा रहे हैं कि निश्चित रूप से भगवान की आराधना करते चलो, आगे बढ़ो और निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक उन्नति के एक एक सोपान आप निश्चित रूप से प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अधरलाल सेन इस तरह से भगवान श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में आने के पश्चात एक ईश्वर परायण सुंदर ऐसा जीवन यापन किया करते थे। बीच बीच में उत्सव आयोजित किया करते थे और ठाकुर को बुलाया करते थे, भक्तों को आगमन भी वहाँ उनके घर में उस निमित्त से हो जाया करता था। एक बार सर्वश्रेष्ठ बंग साहित्यिक बंकिम चंद्र चटर्जी भी उनके घर में आए थे, ठाकुर भी वहाँ पधारे थे। अधर ने ठाकुर और बंकिम की पहचान करवा दी। बंकिम चंद्र चटर्जी से ठाकुर का जो संवाद हुआ वो वहीं हुआ और वहाँ वैसे एक तरह से श्री रामकृष्ण देव ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उनके ही कान खोल दिए या उनकी आँखें खोल दी। उनको एक अच्छा सुंदर मार्गदर्शन उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया। ऑफ कोर्स बंकिम चंद्र चटर्जी ने श्री ठाकुर के वचनों का कितना ठीक ठीक अर्थ समझ लिया और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है और वह हमारे चिंतन का विषय भी नहीं है। लेकिन एक बार अधर बाबू ने ठाकुर से पूछा कि ठाकुर आप में कितना सामर्थ्य है, तो ठाकुर को जब यह सवाल पूछा गया तो ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हाँ, जैसे माँ बच्चे को सुलाने के लिए गाना गाती हैं तो उसी तरह अनेक लोग जिसके डर से लोग थर थर काँपते हैं उस डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट को मेरे यहाँ आकर मैं सुला देता हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि अधर सेन जब दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण देव के पास आते थे तो कामकाज से वे इतने थके हारे लौटते थे कि ठाकुर के पास आने के बाद वे बहुत बार सो जाया करते थे और भक्त लोग कहते थे कि अरे ये तो सो गया, तो ठाकुर कहते थे कि दक्षिणेश्वर यह तो भवतारिणी काली का स्थान है, भवतारिणी काली वह जगत जननी है, तो माँ के पास आकर तो संतान माँ की गोद में निश्चिंत होकर शांति से सोता ही है, उसमें गलत क्या है। तो वही बात एक तरह से मुस्कुराकर श्री रामकृष्ण देव अधर सेन को कहते हैं और कहते हैं किस प्रश्न के उत्तर में कि अधर सेन उन्होंने पूछा था कि ठाकुर आप में कितना सामर्थ्य है, तो एक तरह से यह जो सामर्थ्य है श्री ठाकुर का अनंत सामर्थ्य है। अनंत भावोमय श्री रामकृष्ण, अनंत शक्ति के आधार श्री रामकृष्ण, शक्ति स्वरूप श्री रामकृष्ण, जिनके मार्गदर्शन में ये अधर सेन उनका जीवन आध्यात्मिकता से महक उठा था। श्री रामकृष्ण देव ने अधर सेन को घोड़े पर बैठने के लिए मना किया था और कभी कभी वह चेतावनी भी दिया करते थे। लेकिन एक दिन माणिकतला मध्य कारखाना जो था
वहाँ उसकी उसका इंस्पेक्शन करने के लिए अधर सेन घोड़े पर बैठकर गए थे और अचानक एक्सीडेंट हो गया। वह जो घोड़ा है वह एक तरह से बेकाबू हो गया और अधर सेन गिरकर उनकी हड्डी टूट गई। और इस उस घटना के बाद ही दिन ब दिन अधर सेन की सेहत गिरती गई और फाइनली बुधवार 14 जनवरी 1885 सुबह 6 बजे उन्होंने यह लौकिक देह छोड़ दिया और ईश्वर की दुनिया में वे चले गए। ठाकुर श्री श्री ठाकुर उन्होंने बातों ही बातों में बाद में यह भक्तों को बताया था कि जिस समय अधर सेन घोड़े पर बैठकर इंस्पेक्शन के लिए जा रहा था तो अचानक अधर के घोड़े के सामने अधर के इष्ट देवता प्रकट हो गए और इष्ट देवता का इस प्रकार अचानक दर्शन होने के कारण और इतना आनंद अधर को होने लगा। यह आनंद का अतिरेक जिसका कारण ही था कि वे अपने आप को संभाल नहीं पाए और घोड़े बेकाबू हो गए। तो इस प्रकार से वे घोड़े से गिर पड़े थे, लेकिन अंत समय में जैसे श्री रामकृष्ण देव की कृपा से अधरलाल सेन को अपने इष्ट देवता का दर्शन प्राप्त हो ही गया था। श्री रामकृष्ण देव को जब यह खबर प्राप्त हो गई तो उनके आँखों में एक आंसू आ गए और उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रार्थना करते हुए कहा था, आई ओ माँ, तुम तो मुझे भक्ति और भक्त के लिए ही इस संसार में लेकर आई हो और तुमने ही तो मुझे भक्ति और भगवान को लेकर रहने का आदेश दिया था, तो उसी प्रकार मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। स्वयं ईश्वर अवतार होते हुए भी भक्तों के लिए शोक कर रहे श्री रामकृष्ण को देखकर वाकई मन उनका अधरलाल सेन का चरित्र पढ़कर चकित सा हो जाता है। लेकिन सत्य तो यही है कि सच्चा भक्त जो होता है वह भगवान का बहुत प्यारा होता है। तो यही अधरलाल सेन की सुंदर जीवनी है। आज बस यहीं तक। ओम शांति 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 ही हरि ही ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।